Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning English reader of class 6 by Brain Root series. And here is a book. The name of your book is Literary Journeys. Today we are going to start chapter number 13 of your book and the name of the chapter is Louis Pasteur, the father of microbiology. So let's start the chapter with warming up. Have you ever noticed the word pasteurized? क्या children आपने कभी भी ये pasteurized word सुना है या देखा है? Written on a pouch of milk or juice, किसी milk या फिर juice के packet पे ऐसा कोई word लिखा हुआ देखा है कभी आपने? नहीं देखा है तो अब आपको देखना है, उसे notice करना है. The word is actually talking about a process invented by Louis Pasteur. So ये जो word है ये एक process है जिसे invent किया था Louis Pasteur ने, a famous scientist. ये काफ़ी ज़्यादा famous एक scientist थे. Pasteur's life also teaches us about the importance of not giving up and working hard. Pasteur की life हमें क्या बताती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए. लेट्स रीड अबाउट हिम. तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं. सो लुईस पाश्चर वॉज बॉर्न इन डोल फ्रांस ऑन डिसम्बर 27, 1822. सो लुईस पाश्चर क्या है, वो डोल शहर में जन्मे थे जो कि फ्रांस में है. और कब उनका बर्थ होता है हुआ था, 27 दिसंबर 1822 में. It was a small town like any other town. ये जो डोल शहर था ये एक छोटा शहर था बाकी दूसरे शहरों की तरह. But to us it's a special because in it lived little Louis Pasteur. लेकिन हमारे लिए ये जो शहर है काफ़ी ज़्यादा important है क्योंकि यहाँ पर Louis Pasteur रहते थे, whom this story is about, जिसके बारे में ये story है. लुईस फादर जीन जोसेफ पाश्चर वॉज अ टैनर. सो लुईस के जो फादर थे जीन जोसेफ पाश्चर वो एक टैनर थे. अ टैनर टेक्स एनिमल स्किन एंड मेक्स देम इनटू लेदर. सो टैनर का काम क्या होता है, एनिमल के ऊपर की जो स्किन है उसे निकालनी होती है, उससे लेदर बनाना होता है. आउट ऑफ विच शूज बैग्स एंड अदर थिंग्स आर मेड, जिससे शूज बैग्स और दूसरी चीज़ें बनती हैं. Louis was an observant boy. Louis क्या था, एक observant boy था, means वो चीज़ों को देखता था, observe करता था कि कोई भी काम कैसे हो रहा है. Each day he saw his father put huge skin into bins and cover them with salt. वो रोज क्या देखता था कि उसके फादर जो है बड़े बड़े skins को निकालते हैं, उनको bins में डालते हैं और उसे सॉल्ट से कवर कर देते हैं. ही आस्क्ड हिज फादर, उसने अपने फादर से पूछा, व्हाई डू यू पुट सॉल्ट ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर आप सॉल्ट क्यों डालते हैं पापा. आई थॉट सॉल्ट वॉज मेंट टू गिव टेस्ट टू फूड. मुझे तो ऐसा लगता था पापा कि सॉल्ट हम फूड में टेस्ट डालने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये तो स्किन है, इसमें क्यों आप डालते हो सॉल्ट. Salt keeps the skin from rotting. तो फादर ने बोला कि सॉल्ट क्या करता है, स्किन को सड़ने से बचाता है. His father replied, फादर ने रिप्लाई किया, Haven't you seen your mother make pickles? क्या तुमने अपनी मम्मी को पिकल्स बनाते देखा है. पिकल मीन्स अचार, अचार बनाते हुए देखा है. तो वो भी तो बहुत सारा सॉल्ट डालती है ना ताकि वो खराब ना हो. सो शी टू यूजेस सॉल्ट व्हाइल पिकलिंग द थिंग्स. चीज़ों को बनाते समय, उसका अचार बनाते समय उसमें सॉल्ट डाला जाता है. दिस वे शी प्रिजर्व्स देम. ये क्या है, ये एक तरीका है उसे प्रिजर्व करने का, किसी भी सामान को प्रिजर्व करने का. विच मीन्स शी मेक्स देम लास्ट अ लॉन्गर टाइम, जिसकी वजह से वो जो अचार है वो लंबे समय तक क्या हो जाता है, ठीक रहता है, खराब नहीं होता है. लुईस ब्राइट आइज लिट अप. अब लुईस की जो आंखें थी वो और चमकदार हो गई.
Yes, I have seen mother do that. हाँ, मम्मी को मैंने देखा है अचार में बहुत सारा नमक डालते हुए. In fact, I help her when she does it. जब वो ऐसा काम करती हैं, जब वो अचार बनाती हैं, तो मैं उनकी हेल्प भी करता हूँ. And I love the cucumber pickles she makes. और जब वो कुकुम्बर के पिकल्स बनाती है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. I love them too, replied his father. तो फादर ने कहा, हाँ, मुझे भी ये पिकल बहुत अच्छे लगते हैं. In the same way, people from other countries love our cheese. तो फादर ने बोला, हाँ, इसी तरीके से जो दूसरे देश के लोग हैं, उन्हें भी हमारा चीज़ और वाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. But so much of our milk, cheese and wine have to be thrown away because they get spoiled. तो फादर ने बोला, हमारे यहाँ जो चीज़ बनता है, हमारे यहाँ जो मिल्क होता है, हमारे यहाँ जो वाइन बनती है, वो लोगों को बहुत पसंद है दूसरे देश के, लेकिन वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हमें उसे फेंकना पड़ता है. I wish things could stay without spoiling for longer periods of time. तो फादर ने बोला, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि काश ऐसा होता कि चीज़ें बिना ख़राब हुए काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चल पाती. I shall make your wish come true one day, said the little boy in a sensible manner. तो पापा की ये सारी बातें सुन के उस छोटे से बच्चे ने कहा कि हाँ पापा, मैं क्या करूँगा, एक दिन आपकी इस विश को ज़रूर पूरा करूँगा. His father smiled at his tiny son. फादर ने जब अपने छोटे से बेटे की ये बात सुनी तो वो उसके ऊपर स्माइल करने लगे. उन्होंने कहा, ये तो छोटा मेरा बच्चा है, इसके कितने बड़े बड़े ड्रीम्स हैं. With such big dreams, इतने बड़े बड़े सपने देखता है कि एक दिन सब चीज़ें ठीक कर देगा. At least he had dreams of doing great things. कम से कम इसके अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें करने का क्या है, ड्रीम्स देखने की उम्मीद तो है, आशा तो है. Years passed and Louis had grown big enough to go to college. बहुत साल बीत गए, अब लुइस इतने बड़े हो चुके थे कि अब वो कॉलेज जा सकते थे. At this time, his mind was influenced by some professors of chemistry. अब इस समय जब वो स्कूल जा रहे थे तो कुछ प्रोफेसर्स थे केमिस्ट्री की, उन्होंने उसके माइंड को इन्फ्लुएंस कर दिया था. Now he was not only interested in science, but he actually loved it. अब उसे साइंस पसंद ही नहीं थी, वो साइंस से प्यार भी करता था. With this love for science began his life of research. और साइंस के लिए इतना प्यार क्या कर रहा था, उसकी लाइफ को रिसर्च की तरफ बढ़ा रहा था. Which means finding more about things. जिसका मतलब है कि चीज़ों के बारे में और ज़्यादा चीज़ें ढूंढना. He decided to work at the University of Lille. उन्होंने decide किया कि Lille University में वो काम करेंगे. He not only taught there but kept doing research also. तो ना तो सिर्फ वो वहाँ पढ़ाते थे, इसके अलावा वो रिसर्च वर्क भी वहाँ पे करते थे. In those days he often used to think about why food spoiled. उन दिनों वो ये सोचते रहते थे कि ये खाना आखिर में ख़राब क्यों हो जाता है. The town of Lille was important for the making of wine. So ये जो Lille शहर था, ये wine बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था. The people earned their living by doing this. वहाँ के जो लोग थे, वहाँ उनका रोज़गार था wine बनाना. तो वहाँ के लोग ऐसे ही कमाई किया करते थे wine produce करके. But usually their wine got spoiled and they lost lot of money. तो क्या होता था, वाइन ख़राब हो जाती थी, लोगों के पैसे डूब जाते थे. द पीपल बिकेम डेस्पिरेट सो दे वेंट टू लुइस एंड सेड. अब जो लोग थे वो डेस्पिरेट हो गए, लुइस के पास गए और क्या बोला उन्होंने, प्लीज़ डू समथिंग अबाउट अवर प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम का कुछ कीजिए. यू मस्ट फाइंड अ वे ऑफ कीपिंग द वाइन फ्रॉम स्पॉइलिंग. आपको एक ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे वाइन को ख़राब होने से बचाया जा सके. तो प्लीज़ ऐसा कोई तरीका ढूंढिए. लुइस स्माइल एट देम अज्यूमिंगली एंड सेड. लुइस उनकी तरफ देखे और हंसते हुए उन्होंने बोला, यू कैन हेल्प मी बाय ब्रिंगिंग मी सम स्पॉइल्ड वाइन. तुम क्या करो, मेरे पास कुछ ख़राब हुई वाइन लेके आओ.
where Lewis put the sample under a microscope, he found tiny rod-like creatures wriggling around in clusters. तो जैसे उन्होंने उस वाइन के एक सैंपल को माइक्रोस्कोप के नीचे डाला तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे रॉड जैसे क्रिएचर्स क्या हैं, वाइन के जो पार्टिकल्स हैं उसके चारों तरफ घूम रहे हैं. दीज वर द टाइनी लिविंग थिंग्स जर्म्स दैट टर्न द वाइन सार. अब ये वो चीज़ें थी, ये वो क्रिएचर्स थे जो वाइन को खट्टा बना दे रहे थे. ही देन लुक एट मिल्क थ्रू द माइक्रोस्कोप. अब उन्होंने मिल्क को देखा माइक्रोस्कोप से. ही फाउंड दैट स्पॉइल्ड मिल्क हैड मेनी जर्म्स व्हाइल द अनस्पॉइल्ड मिल्क ओनली अ फ्यू. तो उन्होंने देखा कि जो खराब हुआ दूध है उसमें ज़्यादा जर्म्स हैं और जो ठीक दूध है उसमें कम जर्म्स हैं. ऑन हीटिंग द वाइन एंड द मिल्क to a certain temperature, he found that the germs were killed and the liquid stayed fresh for a long time. तो जब उन्होंने इन दोनों mixtures को गर्म किया एक particular temperature तक, तो उन्होंने देखा कि इसमें जो germs थे वो मर गए और ये चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक ठीक रहने लगी. He figured out the problem. अब उन्हें problem का पता चल चुका था. His heart was beating fast with excitement. उनका दिल जोरों से धड़क रहा था. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे थे, उन्होंने कोई नई चीज़ ढूंढ ली थी. ही रैन टू हिज फादर एंड सेड फादर आई हैव डन इट. वो अपने फादर के पास दौड़ते हुए गए और उन्होंने अपने फादर से कहा पापा मैंने आज वो कर लिया. क्या कर लिया? आई हैव फाउंड द आंसर. मुझे आंसर मिल चुका है. आई हैव मेड योर विश कम ट्रू. मैंने आपकी विश को सच कर दिया है. His parents had tears of joy in their eyes and they hugged and took a great look at this man of science who was their son. अब जब parents से सुना कि उनके बेटे ने, उनकी जो इच्छा थी कि कभी भी ये खाने की चीज़ें खराब ना हो, उस इच्छा को पूरा कर दिया था, तो दोनों ने उसे गले लगा लिया और वो इस बात से भी खुश थे कि उनका बेटा क्या बन चुका है, ग्रेट मैन ऑफ साइंस बन चुका है. There was rejoicing not only in the Lewis family but also in the whole of France. पूरे फ्रांस में, उनके परिवार में तो था ही खुशियों की लहर, उसके अलावा पूरे फ्रांस में खुशी दौड़ चुकी थी. Lewis had saved a very important industry, the wine making industry. तो Lewis ने ही wine making industry को वहाँ पे save किया. और आप देख सकते हो कैसे Lewis यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं यूजिंग ऑल दीज केमिकल्स. द मेथड ऑफ किलिंग जर्म्स थ्रू हीटिंग वॉज कॉल्ड पाश्चराइजेशन. ये जो मेथड था जर्म्स को मारने का, इसे पाश्चराइजेशन कहते हैं. नेम्ड आफ्टर लुईस पाश्चर, जिसका नाम लुईस पाश्चर के बाद पड़ा. इट इज यूज इवन टूडे इन द फूड इंडस्ट्री. से आज भी फूड इंडस्ट्री में इस वर्ड को यूज किया जाता है. नेक्स्ट टाइम यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क डू रिमेंबर थिंक दिस ग्रेट हीरो ऑफ साइंस. जब आप अगली बार दूध पियेंगे तो आपको इस ग्रेट हीरो को याद करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट ही ऑल्सो अचीव्ड कंसिडरेबल फेम फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट वैक्सीन फॉर रेबीज. इसके अलावा उन्होंने रेबीज, जो एक बीमारी है जो कुत्तों के काटने से होती है, उसके लिए भी उन्होंने वैक्सीन ढूंढी. ही वॉज वर्किंग ऑन अ रेबीज वैक्सीन दैट हैड टेस्टेड 50 डॉग्स बट वॉज येट टू बी टेस्टेड ऑन अ ह्यूमन. तो उन्होंने ऐसी वैक्सीन बनाई जो 50 डॉग्स पे टेस्ट किया गया लेकिन ह्यूमन पे अभी टेस्ट बाकी था. पाश्चर फर्स्ट एडमिनिस्टर्ड द वैक्सीन ऑन अ 9-year-old बॉय who had been bitten by a rabbit dog in 1885. तो उन्होंने ये पहला वैक्सीन जो है एक 9 साल के बच्चे पे आजमाया जिसको एक डॉग ने काट लिया था 1885 में. द बॉय डिड नॉट डेवलप रेबीज एंड लिव टू बिकम एन अडल्ट. तो बॉय को रेबीज की बीमारी नहीं हुई और वो एक अडल्ट बन चुका था. ही ऑल्सो इन्वेंटेड वैक्सीन्स फॉर कॉलेरा एंथ्रेक्स एंड स्मॉल पॉक्स. उन्होंने इन बाकी बीमारियों के लिए भी वैक्सीन बनाई थी. ही डाइड ऑन सेप्टेम्बर 28, 1895 एज 72. तो जब वो 72 ईयर्स के थे उनकी डेथ हो गई. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी विच इज वर्ड मीनिंग.
First a word over here is children, tanner, which means one who makes leather. Wriggling means to move about. Rejoicing means expression of joys. Fame means widely known. Desperate means last attempt to do something. किसी चीज को करने की बहुत ज्यादा इच्छा होना. Now let's move on to book exercise. Comprehension, multiple choice questions. So here the first question is, Louis Pasteur was born in December 15, 1854, September 28, 1822, December 27, 1822, or September 18, 1855. So he was born on 27 December 1822. Louis' father was a doctor, tanner, professor or scientist. So he was a tanner. So next, do the rest of the questions, children, yourself. Next, let's move on to reference to context. Yes, I have seen mother do that. Who said this and to whom? So Louis said this to his father. What has he seen? So he had seen his mother pickling the pickles. He had seen his mother pickling the pickles. Next, why was this done? So this was done, salt was added because so that the pickle does not get destroyed. Now second one, I shall make your wish come true one day. So again, who said this? Louis said to his father, and do it as your homework. The rest of the questions you have to do yourself. Next, let's move on to fill in the blanks. So now children, let's move on to fill in the blanks. Here we are going to do 3, 5 and 6. So third one is, he decided to work at the University of Lille. He solved all the problems, and pasteurization is used even today in the food industry. So these are the answers, children. The leftover you have to do yourself. Now let's move on to true or false. Louis saw his father put used skin into bins. Yes, this is true. Many things have to be thrown because they get spoiled. Yes, true. Louis forgot about his dream. False. And the rest, do it yourself. So children, with this we have completed the chapter. I hope that you have learned many new things after reading this chapter. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.